क्लास, वेलकम टू भारत विकास कन्वेंट स्कूल। आई एम स्वीति ब्रिया स्टूडेंट। टुडे इज योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास, सो टेक योर इंग्लिश बुक एंड द पेज नंबर इज 22 to 23। सो स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस क्लास वी ऑलमोस्ट फिनिश्ड आवर क्वेश्चन आंसर क्लास ऑफ ब्रीफ एंड ट्विंकल। नाउ इन आवर टुडे क्लास वी रीड द अनदर स्टोरी ऑफ कुकिंग विथ खिचड़ी। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वी reading this story or reading this chapter and then we explain what it write or what the poet says. Okay, so student, let's start the loud reading. It was a foggy morning in the cold winter month of December. The green ponds were all frozen. The villagers had wrapped mufflers and shawls around their cold bodies. They were hungry. They were hurrying towards King Akbar's court early in the morning. They did not want to be late for the morning assembly. Akbar had specially called all his ministers and chief people, including Birbal, to attend the assembly. Once everybody was together at the court, Akbar asked Birbal, "Tell me, Birbal, will a man do anything for money?" Birbal replied, "Yes, your highness, a man will do anything to earn money." Surprised by his answer, Akbar ordered Birbal to prove it. Birbal had just one day to prove that a man will do anything for money. So he set out as soon as possible in search for a money who was search for a man who was ready to do anything to earn money. The next day, Birbal came to the court along with a poor man who had a mere penny left with him. His family was starving. Birbal told Akbar that the man was ready to do anything for money. ठीक है, so student, let's first chapter the page number 20 and the second chapter page number of 23 of now that points are today I read or explain it. Okay, so ये story है बिरबल and अकबर की। आप लोगों को पता है बिरबल and अकबर बहुत famous two friends थे और किंग और मिनिस्टर्स थे, उनके बारे में बहुत कुछ स्टोरीज है। अकबर एक किंग है, फेमस किंग अकबर, आपको पता है वो मुगल के किंग थे, तो उनके बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, इधर कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिखा है, पहले मैं इनको बता देती हूँ। मफलर्स, यूज इन विंटर टू वेयर आवर फेस एंड ईयर। जो मफलर हम वेयर करते हैं ना ठंडे के दिन में ईयर और फेस को कवर करने के लिए, उसको मफलर्स बोलते हैं। असेंबली, असेंबली इन द सेंस कोई मीटिंग या फिर कोई गेट टुगेदर, जो कोई मतलब रीजन और पर्पज से जो किया जाता है। चीफ इन द सेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ओके, मैरी, मैरी इन द सेंस ओनली मेयर। ओके, मेयर इन द सेंस ओनली। स्टार्विंग, स्टार्विंग इन द सेंस ऑलमोस्ट डाइंग ड्यू टू हंगर, मतलब स्टार्विंग इन द सेंस जो लोग मतलब बिना कुछ खाए पिए जैसे उन लोग स्ट्रगल करते हैं, इन द सेंस वो जी के भी मरना जैसे उनका हालत होता है। ठीक है, सो क्या है देखिए, वन डे क्या हुआ, अकबर ने गांव के विलेज के पीपल्स को या लोगों को क्या किए, एक असेंबली के लिए, मीटिंग के लिए उनको बुलाया कि आज मॉर्निंग में मीटिंग है तो आप आके ज्वाइन कीजिए। तो क्या हुआ, विलेज के सारे पीपल एकदम झटपट से तैयार होके मफलर लपेट के चलने लगे मॉर्निंग में कि कहीं लेट ना हो जाए असेंबली में। तो सारे असेंबली में पहुंच गए, सारे मिनिस्टर्स भी पहुंच गए, सारे विलेज भी पहुंच गए और क्या बिरबल भी पहुंच गए। ठीक है, फिर अकबर ने उस असेंबली में मीटिंग में बिरबल को सारे लोगों के सामने पूछा, क्या कोई पैसे के लिए हर कुछ कर सकता है? तो बिरबल ने बोला, हाँ, सारे लोगों से कोई ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर अकबर ने पूछा उनको, तो ठीक है, अगर कोई भी मैन या फिर कोई भी पर्सन अगर पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है तो ये प्रूव करके आप दिखाओ।
तो फिर बीरबल ने बोले कि ठीक है हाई ऑनर, मतलब रेस्पेक्ट देके उनको बोले ठीक है हाइनेस, मैं मुझे एक दिन के लिए टाइम दीजिए, मोहलत दीजिए, मैं एक दिन में आपको प्रूव करके दिखा दूंगी कि कोई भी इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो नेक्स्ट डे फिर से गए अकबर के पास बीरबल और एक पोर पर्सन, पोर पीपल को, मतलब एक गरीब इंसान को लेके गए हैं, और वो बोले कि सर ये एक गरीब इंसान है, इसकी फैमिली लोगों के अंडर में ये एक ही है जो कमा के देता है और खाने में, मतलब खाने का अरेंज करके देता है, और उसकी फैमिली क्या है स्टार्विंग्स है, स्टार्विंग इन द सेंस वो खाना नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, भूखे रहते हैं, वो जी के भी मरने जैसे उनका हालत हो गए है। तो इस सिचुएशन में वो गरीब इंसान आप जो भी बोलोगे वो पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है। सो टुडे स्टोरी में ये इतना ही है, नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग फिर से रीडिंग करके उसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे क्या है। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।